बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सुकमा से, जहां जगरगुंडा बाजार में हुए नक्सली हमले में घायल जवानों को दंतेवाड़ा अस्पताल में पहुंचाया गया है। जवान करटम देवा और सोढ़ी कन्ना को इलाज के बाद रायपुर एयरलिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि ड्यूटी पर तैनात जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान नक्सलियों ने जवानों की इंसास राइफल भी लूट ली थी। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और सर्च अभियान अभी चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार फिर से बता दें, सुकमा के जगरगुंडा बाजार जहां पर नक्सली हमला हुआ था और इस पूरे हमले में जो घायल जवान थे उनको दंतेवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। और जवानों के नाम की अगर बात की जाए तो बता दें करटम देवा और सोढ़ी कन्ना जो कि इसमें घायल हुए, रायपुर एयरलिफ्ट इनको किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए ड्यूटी पर ये दोनों ही तैनात थे, उसी दौरान जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान नक्सलियों ने जवानों की इंसास राइफल भी लूट ली और फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, कब का ये पूरा मामला है जब नक्सलियों की तरफ से जवानों पर यह हमला किया गया, और जवानों की स्थिति की बात की जाए तो उनकी स्थिति अभी क्या बताई जा रही है? बता दूं कि यह जो हमला है सुकमा जिले के जगरगुंडा साप्ताहिक बाजार में आया है, और जिसके बाद से इस हमले में दो घायल जवानों को गया है, जहां से उन्हें एयरलिफ्ट करवाया गया है। साथ में जो घायल जवान हैं जिन्हें कट गए। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता दें, सुकमा के जगरगुंडा बाजार का ये पूरा मामला जहां पर जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया और दंतेवाड़ा अस्पताल उन्हें ले जाया गया था, और स्थिति को देखते हुए अब उन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया जाएगा, वहां पर इन घायल जवानों का इलाज किया जाएगा। तो बता दें कि ये जवान ड्यूटी पर तैनात थे, उसी दौरान नक्सलियों ने इस साप्ताहिक बाजार में पहुंचकर इन जवानों पर हमला किया और साथ ही साथ जवानों की राइफल भी ये लूट कर ले गए। तो पुलिस ने हाल फिलहाल की बात की जाए तो पूरे इलाके को घेर रखा है। और हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, जवानों की बात की जाए तो क्या स्थिति उनकी बताई जा रही है, कब उन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया जाएगा? दरअसल देखिए, आज जगरगुंडा के साप्ताहिक बाजार में सुबह जब जवान ड्यूटी कर रहे थे, बाजार माल एक्शन टीम ने यह हमला किया। हमला करने के बाद तो देखिए साप्ताहिक बाजार चल रहा था, जवान ड्यूटी पर वहां तैनात थे और मौका देखकर नक्सली वहां पहुंचे और जवानों पर हमला किया, राइफल उनकी लेकर चले गए। हाल फिलहाल की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि नक्सलियों को ढूंढ लिया जाए। तो देखिए, हो सकता है कि नक्सली उस इलाके में आसपास कहीं छुपे होंगे, ऐसे में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि उन्हें पकड़ लिया जाए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, सुकमा के जगरगुंडा बाजार का ये मामला, साप्ताहिक बाजार जो कि हर सप्ताह लगता है, ऐसे ही साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। सुबह की ये घटना, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सुबह की ये घटना है जब ड्यूटी पर ये जवान तैनात थे, वहां पर नक्सली पहुंचते हैं और मौका पाकर वो जवानों पर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद वो जवानों से राइफल भी लेकर चले गए। जवानों को फिलहाल, जब पूरा घटनाक्रम हुआ, जब घायल हुए जवान, उसके बाद सबसे पहले उन्हें दंतेवाड़ा ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया जाएगा। और रायपुर एयरलिफ्ट करने के बाद रायपुर में उनका इलाज चलेगा। तो इस पूरे घटनाक्रम में दो जवान बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए हैं और बाजार में ये ड्यूटी पर तैनात थे, उसी दौरान नक्सलियों की तरफ से इन पर हमला कर दिया। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुकमा के जगरगुंडा साप्ताहिक बाजार में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। पंकज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। पंकज, देखिए जैसा कि आप बता रहे थे कि आज सुबह साप्ताहिक बाजार में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, हाल फिलहाल की बात की जाए तो देखिए पुलिस की तरफ से भी पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल देखिए, ये जो हमला है आज सुबह जगरगुंडा के साप्ताहिक बाजार में हुआ। रविवार को जगरगुंडा की साप्ताहिक बाजार लगती है, यहीं पर जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी, जहां पर दो जवान
करटम देवा और सोड़ी कन्ना ड्यूटी पर तैनात थे, उसी वक्त नक्सलियों की छोटी स्मॉल एक्शन टीम जो कि ग्रामीण भेजभूता में पहुंची हुई थी, उन्होंने धारदार हथियार से हमला किया। हमला करने के बाद जवानों की दो राइफल भी वो लूट कर ले गए, जिसके बाद घायल जवानों को तत्काल जो साथी जवान थे उन्होंने वहां से निकाल करके जगरगुंडा से होते हुए पालनार के रास्ते से होते हुए दंतेवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां जवानों को चेक करने के बाद उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे की ओर एयरलिफ्ट कराया जाएगा। जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट कराने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर एयरलिफ्ट कराने के बाद ही जवानों को, इसमें बताया जा रहा है कि एक जवान ज्यादा गंभीर रूप से इंजर्ड है, वहीं दूसरे की हालत थोड़ी कम बताई जा रही है। मैं बता दूं कि ये जो जगरगुंडा का साप्ताहिक बाजार है, बेहदी नक्सल प्रभावित इलाके में यह बाजार लगती है। यह बहुत लंबे समय तक यह बाजार बंद थी, मगर अब बहुत समय के बाद इसे फिर से चालू किया गया था। इसी बाजार पर ड्यूटी के दौरान यह हमला जवानों के ऊपर नक्सलियों ने किया है। जी, और पंकज, हमने अक्सर देखा है कि जब भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार लगते हैं तो नक्सली इस मौके का फायदा भी उठाते हैं, और शायद वही फायदा आज उन्होंने उठाया कि जैसा आपने बताया कि बाजार बंद था, आज बाजार लगा और ऐसे में मौका पाकर उन्होंने जवानों पर हमला कर दिया। दो जवानों के घायल होने की जानकारी है। कितने जवान साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी पर तैनात थे? दरअसल देखिए, 20 से 25 जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी साप्ताहिक बाजार पर। जो ग्रामीण भेजभूता पे नक्सली पहुंचते हैं, इसलिए उनकी शिनाख्त कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। साथ में जो आदिवासी इलाकों में पारंपरिक हथियार पकड़े जाते हैं, बंडे हथियार, इसे लेकर के वो घुसते हैं और इन्हीं हथियारों से मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई जवान उन्हें किनारे की तरफ मिले या ड्यूटी से वो ऐसे एरिया में मिले जहां पर वो हमला करके फरार हो सके। तो ऐसे ही इलाके पर ये दोनों जवान फंसे और उन्होंने मौका देखकर सीधे जवान पर अटैक किया। अटैक करने के बाद में उन्हें पूरी कदर घायल करने के बाद हथियार लेकर भागने में कामयाब हुए। चलिए, जस्ट थोड़ी देर के बाद रायपुर एयरलिफ्ट किया जाएगा घायल जवानों को। नजरें आप बनाए रखिएगा पंकज, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।